सपने वो नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और जिनके लिए रातों की नींद कुर्बान की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सिद्दिका मनोहर सोनी। वो जो देश के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक थे, वो जिन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। साल 2015 में आज ही के दिन शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्पीच देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। कलाम को भारतीय मिसाइल प्रणाली और अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। आपको बता दें, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु में बेहद साधारण से परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अवुल पाकिर अनुल आब्दिन अब्दुल कलाम था। उनके पिता नाव चलाते थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वही उनकी माँ घर संभालती थी। वह चारों भाइयों और बहनों में से सबसे छोटे थे। आपको बता दें, शुरुआती दौर में कमाई के लिए उन्होंने अखबार भी बांटे। उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेसिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद अगले 40 साल उन्होंने बतौर DRDO और ISRO संगठन में बिताए। साल 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत ने साल 1998 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किए थे, वो उन्हीं के मार्गदर्शन में हुए थे। साल 2002 में उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। वे साल 2007 तक इस पद पर रहे। अपने कार्यालय के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक नए आयाम तक पहुँचाया और आम लोगों के दिलों में जगह बनाई। खासकर बच्चों और युवाओं के बीच वे सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे। उनकी पुण्यतिथि पर देशवासी उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आइए आज उनकी पुण्यतिथि पर भारत के मिसाइल मैन को याद करते हुए उनके द्वारा कही गई कुछ प्रेरणादायक बातों को पढ़ते हैं। सबसे पहला, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। दूसरा, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तीसरा, जिस दिन आपके सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए हैं। चौथा, हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए समान अवसर है। पांचवा, शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके करियर का। अब्दुल कलाम का व्यवहार और उनकी सादगी देश के लिए प्रेरणा का काम करती है और उनके विचार अमूल्य धरोहर है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं।